In a detailed video response to the criticism of the Kashmir Files by the International Film Festival of India jury chairman Nadav Lapid, the film's director Vivek Agnihotri invited all the intellectuals, urban Naxals, and the so-called accomplished director from Israel to prove that even one frame of the film was a piece of a propaganda. If they did it, he declared he would stop making films altogether. Dosto, kal IFFI Goa mein, why jury ke chairman ne bola ki the Kashmir Files एक प्रोपेगंडा और वल्गर फिल्म है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें तो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अर्बन नक्सल्स और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हमेशा से बोलते ही आए हैं। लेकिन मेरे लिए जो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात वो है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित, भारत सरकार के मंच पे कश्मीर को भारत से अलग करने वाले टेररिस्ट लोगों के नैरेटिव को सपोर्ट किया गया, और उस बात को लेके भारत में ही रहने वाले कई भारतीयों ने उसका इस्तेमाल किया भारत के अगेंस्ट। आखिर ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो कश्मीर फाइल्स के 4 साल पहले, जब मैंने रिसर्च चालू किया था, तब से इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। 700 लोगों के पर्सनल इंटरव्यूज के बाद ये फिल्म बनी है। क्या वो 700 लोगों जिनके मां बाप, भाई बहनों को सरेआम काट दिया गया, गैंगरेप किया गया, 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, क्या वो सब लोग प्रोपेगंडा और अश्लील बातें कर रहे थे? जो पूरी तरह से एक हिंदू लैंड हुआ करता था, आज वहां हिंदू नहीं रहते हैं, उस लैंड में आज भी आपकी आंखों के सामने चुन चुन के हिंदुओं को मारा जाता है, क्या ये प्रोपेगंडा और अश्लील बात है? यासीन मलिक ने अपने टेरर के जुर्मों को कबूल करके आज वो जेल में सड़ रहा है, क्या ये प्रोपेगंडा और अश्लील बात है? दोस्तों, ये बार बार सवाल उठता है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो एक प्रोपेगंडा फिल्म है, मतलब वहां कभी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ ही नहीं। तो आज मैं विश्व के सारे बुद्धिजीवियों को, इन अर्बन नक्सल्स को चैलेंज करता हूं, इन महान फिल्म मेकर जो इसराइल से आए उनको भी चैलेंज करता हूं कि कश्मीर फाइल्स का एक शॉट, एक डायलॉग इवेंट को अगर प्रूव कर दे कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। दोस्तों, ये लोग हैं कौन जो हमेशा भारत के अगेंस्ट खड़े होते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने मोपला का सत्य किसी के सामने नहीं आने दिया, जिन्हें डायरेक्ट एक्शन डे जहां लाखों हिंदू मारे गए थे उनका सत्य सामने आने नहीं दिया, कश्मीर का सत्य सामने आने नहीं दिया। ये वही लोग हैं जो भारत में कोविड के वक्त जलती चिताओं को चंद डॉलरों में बेच रहे थे, और आज जब मैंने वैक्सीन वॉर को अनाउंस किया है तो उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। पर मैं डरने वालों में से नहीं हूं। आपको जितने फतवे इशू करने हैं करिए, लेकिन मैं लड़ता रहूंगा। जय हिंद।